हाँ टिकोमा बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। हिंदी में हम लोग तो यही जानते हैं, वैसे हर पेड़ का हर इंसान का डबल नाम हो जाता है, छोटे में और नाम होते हैं, बड़े में और नाम होते हैं, इंग्लिश हम जानते नहीं है सर। यानी हर पेड़ से हमें कोई ना कोई फायदा ही मिलता है। हम देख भाई ये नहीं कि लगा के चले गए, दो साल बाद आए इतने वो खत्म है। सही, बिल्कुल। लगाने में जी आज लगा के जाए, कल पानी डाल के जाए, परसों ये भी देखे कोई इसको नुकसान तो नहीं पहुंचा। और कुछ पब्लिक आते हैं कहते फूल क्यों नहीं लगाते हो आप, ना हमारे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जंगल बनाने का काम है। उनका जी DDA में जाइए सर, कॉर्पोरेशन में जाइए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग आए हैं एक और फ्री नर्सरी कवर करने आपके लिए, फ्री गवर्नमेंट नर्सरी। एज यूजुअल कि मैं आपको दिल्ली की सारी फ्री गवर्नमेंट नर्सरी घुमाना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे ऑलरेडी फ्री नर्सरीज की वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, ब्रार स्क्वायर वाली या फिर बिरला मंदिर वाली, जहाँ पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट प्राप्त कर सकते हो। तो एक और नर्सरी मैं आपके लिए ले आया हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सरी है, दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरी है ये। कौन कौन से यहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है, चलिए चलते हैं अंदर और बात करते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे केयर टेकर हैं उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी दूंगा आपको शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस हमारे साथ पोलिंदर ठाकुर जी हैं जो कि यहाँ के केयर टेकर हैं, सारी जानकारी रखते हैं और हर एक चीज़ का इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड भी बना रखा है। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जब भी आप गवर्नमेंट नर्सरी विजिट कर रहे हो सिर्फ वही पौधे मिलेंगे आपको जो उस टाइम पे बने हैं, अवेलेबल हैं, देने के लिए तैयार हैं। जैसे आप बगनवेलिया चाहिए, बगनवेलिया नहीं है तो वो आपको नहीं मिल सकता। अब आपको तुलसी चाहिए, तुलसी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। जी जी जी। तो गाइस हाँ, वही मिलेंगे, ज्यादा छोटे भी नहीं देते, ज्यादा छोटे भी नहीं दे सकते। हाँ। वो एकदम से अंदर से उनकी जड़ नहीं प्रॉपर बनती है, तो इसी वजह से वो नहीं दिए जाते। सर ये लेसुआ है, लेसुआ हाँ, और ये सुहाजना का पेड़ है सर, ये सुहाजना, ये जो हाँ सुहाजना सब्जी होती है, सब्जी होती है, कुछ वो है अपना। अच्छा, खाते हैं, मेडिसिन प्लांट में भी आते हैं ये। अच्छा अच्छा, मेडिसिन वगैरह में। हाँ अच्छा अच्छा सर। तो गाइस जो मैंने आपको अभी ये बड़े ये बीज बीज डाल के जमाए हैं जी, हाँ ये सुहाजने का है। हाँ, उसके छोटे पौधे भी यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ हाँ, पब्लिक डीलिंग के लिए। हाँ, और तो ये है आपका लेसुआ, लसोड़ा है जी। हाँ, लसोड़ा भी बोलते हैं इसे। ये अर्जुन का दरखत है बड़े, और हमारे पास जो है, आइए आइए सर आगे आइए, अर्जुन का पेड़ है जी ये अर्जुन। हाँ, अर्जुन भी म्यूटेशन में भी आते हैं, डॉक्टर साहब तो बताते हैं कभी आते हैं तो। वगैरह के लिए भी हाँ हाँ हाँ, आयुर्वेदिक पौधा भी है। हाँ, ये आयुर्वेदिक, ये हार सिंगार है जी, हार सिंगार का पेड़ है। अच्छा। हाँ, इसके पौधे भी हमारे पास थोड़ा बहुत देते हैं, सप्लाई करते हैं, पब्लिक आते हैं तो देते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये जी पिलखन का पेड़ है जी, ये पिलखन। हाँ, पिलखन का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, एनिमल अगले साल के लिए तैयार हो जाएंगे, अगले साल के लिए ये बेड तैयार कर रखे। हाँ जी 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 जी, ये हमारे पास देने लायक एकदम तैयार है। अब पब्लिक डीलिंग हो जाएंगे 10 दिन बाद 15 दिन बाद, जब से हम हाँ पापरी है वही जी, पापरी है। हाँ, हमारे पास जो है ऑर्डर जब से साहब दे देंगे, वैसे कोई कोई आते हैं तो अभी भी दे देते हैं, दे संस्था वाले को। ठीक है, टिकोमा बोलते हैं इसको, टिकोमा बोलते हैं। हाँ, टिकोमा बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। हिंदी में हम लोग तो यही जानते हैं, वैसे हर पेड़ का हर इंसान का डबल नाम हो जाता है जी, जो बात है जी, छोटे में और नाम होते हैं, बड़े में और नाम होते हैं, इंग्लिश हम जानते नहीं है सर। अरे सर, हाँ, ये हमारे पास जी पीली कनेर है, ये पीली कनेर, पीली कनेर का है ये, ऑर्मल देने के लिए तैयार है हमारे। ठीक है, हाँ इसको जो है हम अभी आएंगे, हमारे साहब ऑर्डर करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैसे भी एक दो दे देते हो अगर कोई। हाँ, कोई आते हैं तो कोई जन्मदिन के लिए, कोई कहीं लगाना है यादगार में, यादगार तो जो कोई वैसे भी आते हैं तो हम दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बांस उर्फ बम्बू बोलते हैं जी सर, ये वाला जी, ये बांस उर्फ बम्बू बोलते हैं जी, ये बांस उर्फ बम्बू, बम्बू हाँ बम्बू, वो बड़ा पेड़ है जी हमारे पास, देख लीजिए वो वाला उस, ये छोटा पौधा है इसका। हाँ, देने लायक है, देने लायक है। हाँ, इतना बड़ा हो जाता है ये, सामने बम्बू का पेड़ देख रहे हो आप जो। हाँ, बांस का है ये उस वाले में बहुत होता है, मकान फकान फार्म पूरा में बनाते हैं। हाँ, ये है, ये है, इधर भी है, एलोवेरा है सर ये। ठीक है, हाँ मेडिसिन प्लांट में आते हैं, मेडिसिन प्लांट के लिए यूज होता है, बहुत अच्छा इसका मतलब यूज करते हैं, आयुर्वेदिक यूज इसका बहुत अच्छा है। ये जो है बगोनिया इसको बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। रोड पर कई बार देखे होंगे आप लगे हुए। हाँ, ये भी छायादार होता है। मरोड़फली भी बोलते हैं, मरोड़फली भी बोलते हैं इसको, छायादार। बगोनिया भी बोलते हैं। अब फूल पौधे के तो हमारे कम होते हैं ना, हमारे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। कुछ पब्लिक आते हैं कहते फूल क्यों नहीं लगाते हो आप, फूल का जी DDA में जाइए सर, कॉर्पोरेशन में जाइए। ये जामुन है सर, ये जामुन है सर, जामुन भी म्यूटेशन प्लांट में आते हैं। हाँ, जामुन डायबिटिया वाले बीज और इनके अर्गर खाते हैं बहुत, बहुत। हाँ, ये सब में जी बीज डाला हुआ है। ये हमारे चंपा का पेड़ है, ये चंपा है। हाँ, इसमें फूल आते हैं बढ़िया सफेद रंग का। ठीक है, और गुलाबी कलर का भी आते हैं जी, जी। हाँ, ये सब देने लायक है, देंगे। अच्छा, अच्छा। ये हमारे पास गुड़हल है, ठीक है जी, ये गुड़हल है। हाँ,
ये जी पीपल है, पीपल भी ये हमारे पास पीपल है, पीपल का पेड़ है जी, पीपल का पेड़ है जी। ये भी जैसे मंदिर वगैरह में लगता है, मंदिर वगैरह में लगते हैं कहीं, हाँ लग। ये जी हमारे पास गिलोई है जी सर। अच्छा ये गिलोई है, गिलोई है जी। तो कहिए गिलोई देख सकते हो आप। हाँ जी गिलोई है जी, ये सब जो है ना, ये सब जो है अभी ये सब देने लायक है। अच्छा गिलोई का जो शरबत होता है, शरबत होता है, पीते हैं पत्ते का भी। अच्छा ये सुंदरवन उर्फ जटरूपी बोलते हैं इसको, जटरूपी। हाँ सुंदरवन उर्फ जटरूपी बोलते हैं इनको, सुंदरवन और जटरूपी। हाँ और इसमें जो है ये है जी सर गुलाब, मदर प्लांट में लगा रखे हैं। अक्टूबर के महीने में हम इसको काट के लगाते हैं, कहीं और जगह लगाओ, थैली में लगाते हैं जी, पैक थैली में, ठीक है, जो पब्लिक के देते हैं। ये है हमारे कोचिया, ये भी गमला के 100 के लाइन होते हैं, कोचिया 100 पीस के लिए, 100 पीस के लिए। क्या होता है ये? कोचिया नाम है जी इसका। कोचिया, हाँ 100 पीस के लिए गमले में, ठीक है। 3-4 महीने की आयु होते हैं इनके। अच्छा ये कितना बड़ा होता है? बस इतना ही बड़ा होते हैं, ऐसे गोल टाइप में। ये हमने गुलमोहर का बीज लगाए हैं जी सर, अभी हमारा निकल रहा है। अच्छा गुलमोहर? हाँ अभी अभी 15 दिन हुए हैं। हाँ देखो फुटाव भी ले रहा है। हाँ फुटाव ले रहा है, ये सारे हैं वही है, ये सारे वही हैं। हाँ जी हाँ, ये हमारा नीम प्लांट है ये। अच्छा नीम का प्लांट, नीम है का है। हाँ जी कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ जी ये भी नीम है, उधर भी नीम है। ये जी ये हमारा अमरूद है जी। अच्छा ये अमरूद, अमरूद है जी। हाँ ठीक है, पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के लिए अमरूद हमने तैयार कर रखे हैं, करीबन 500-700। ठीक है, अमरूद का गाइस पौधा भी आप यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। हाँ फ्री में देते हैं बिल्कुल। ये जी वैसे जी इसको हम लोग शुगर फ्री बोलते हैं, वैसे एक साहब आए थे कभी पूसा से ले गए थे तो बोलते थे ये डुप्लीकेट जो है अश्वगंधा बोलते हैं इसको, अश्वगंधा। हाँ डुप्लीकेट अश्वगंधा, ये डायबिटीज में थोड़ा सा वो तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। यहाँ से जी बहुत ले गए हैं सर, तो आप यहाँ पे भी ये भी प्राप्त कर सकते हैं आगे। हाँ हाँ वाला, हाँ ये सतावर है जी। तो गाइस ये है सतावर, ये भी बड़ा कितना बड़ा होता है? बस ये ऐसे झाड़ रहते हैं, थोड़ा सा बड़ा इतना हो जाएगा बस, ऐसे झाड़ झाड़ सा रहेगा। हाँ ये झाड़ सा रहते हैं। ठीक है ठीक है, तो गाइस ये सतावर बोलते हैं। अब इसमें पौधे तो बहुत प्रकार के होते हैं, अभी जैसे जब बारिशें होंगी ज्यादा वो होगा, वो अभी अगर एक बारिश हो जाए ना तो 3 दिन में हमारा जो है पौधे अभी 6 इंची का है तो 1 फुट का हो जाएगा। अरे हाँ। ये सुहाजना का हमने कुछ कठिन लगा के इस बार यानी देखे हैं, कोशिश करे हैं, हमें अगर 50% भी हो जाता है तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम कामयाब हो गए। हाँ। ये प्रॉपर बेड तैयार कर दिया आपने? जी 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 जी। ये जी फाइकस फिलखन है, रोड के किनारे किनारे लगते हैं कई बार। अच्छा फाइकस फिलखन बोलते हैं इसको, ठीक है। और अच्छा रोड के किनारे किनारे लगता है? लगते हैं कहीं भी लगा दीजिए सर, ठीक है। ये इसमें बर है हमारा, ये अभी छोटा है, लेकिन 2 महीने में हो जाएगा लेने लायक, हमें ले जाते हैं अभी। अच्छा, भी एक दो ले जाते हैं। ये इसे मोंगरा भी कहिए और मोतिया भी। अच्छा, कहिए मोतिया। हाँ ये फूल का है, हम लगा देते हैं आगे, हम अपना इसमें से काट काट के कटिंग लगा देते हैं। खुशबू आ रही है। हाँ गमले के हैं ये, गमले में ले जाते हैं लोग बाग, थोड़ा बहुत लगा देते हैं ताकि कोई आदमी नाराज होके ना जाए। ये सदाबहार है जी, सदाबहार है जी। हाँ आम पब्लिक के लिए जी, हाँ हम देते हैं। और ये सहसूत है जी, सहसूत बोलते हैं। अच्छा? इसको 1 किलो जी, कम से कम इतना यानी 2 इंची से अंगुली इतना मोटा होता है। मीठा बहुत है जी। जी हाँ। जी जी अपना हाथ से बनाया हुआ है जी। अरे वाह। हाँ। पर आपको मिल जाएगा जिस अभी ये है देने लायक? हाँ देने लायक है अभी। हाँ। देने लायक ये अनरवी है। अच्छा, पारक पूरक में देखे होंगे, दीवार की तरह हैज बनाते हैं, डिजाइन जैसा भी आप बना लीजिए। ये तुलसी है जी। जी जी जी, तो वैसे तुलसी का भी प्लांट यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ तब देने लायक है? देने लायक है जी। हाँ, आते हैं दे देते हैं, कोई अपनी पूजा के लिए मांगते हैं तो एक पौधे दे देते हैं। ये मेहंदी है, ये मेहंदी है, ये मेहंदी है। हाँ जो बालों में लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख सकते हो। हाँ देने लायक है जी, उनके लिए ये बेलपत्र है जी। बेलपत्र है जी, इसको अपना शिव जी भोले बाबा को पूजा भी होते हैं, सब बेल फरते हैं, तो अभी मार्केट में अब जूस बना के लोग बाग पीते हैं। हाँ बेलपत्र का। ये करी पत्ता है जी। अच्छा जी ये करी पत्ता देने लायक है, हम अब इनको आएंगे तो दे सकते हैं। करी पत्ता आप देख सकते हो। कल भी करी पत्ता का देखिए पेड़ ये बड़ा है, इससे बीज हमारा हो जाएंगे, 2 महीने बाद हम बीज लगाएंगे। ये जो व्हाइट व्हाइट है, हाँ ये बीज है, ये बीज व्हाइट व्हाइट आप देख सकते हो, ये प्रॉपर बीज है। इस पे बीज है, लगाएंगे लाल पक जाएंगे, काला हो जाएगा, हम इसको तोड़ेंगे। हाँ ठीक है। इसे जी गमले में लगते हैं, डैक्सेनिया है। डैक्सेनिया बोलते हैं, ड्रैक्सेनिया। ड्रैक्सेनिया हाँ, ये इंडोर होता है, आउटडोर होता है? इंडोर होता है जी। अच्छा घर के अंदर लगता है? घर के अंदर लगता है। धूप कम चाहिए होती है? धूप कम चाहिए जी। हाँ ये सब जो है देने लायक है जी, कटिंग लगाए हैं को। तो इसको लार्ज स्टोनिया बोलते हैं? हाँ इनको ऐसे ही पत्ते आएंगे, कभी भी देखिएगा रोड पर कहीं पार्क पूरक में भी लगते हैं। अच्छा हाँ किनारे किनारे में। इनको खासियत यही है कि ये ऐसे ही आएंगे सामने सामने, ये रहे 5 पत्ती ही एक बार में निकले। हाँ और फिर 2 इंची का गैप दे करके फिर ऐसे ही 5 पत्ती निकलेंगे और निकलेंगे। ये हमारा बकाइन है। अच्छा, बकाइन का पेड़ बोलते हैं इसको। हाँ बकाइन है
बहुत वैरायटीज है जी सर। ये जो है ना, ये भी हैज का प्लान है, गमले में लगते हैं। अच्छा अच्छा। ये फाइकस पेंडा बोला जाता है इसको, पांडा फाइकस। हाँ, लॉन्ग में बोला जाता है। हाँ, तो जो है ये हम देते हैं पब्लिक को। है झुरंटा बोलते हैं, वो जरा है ना, वो वाला। हाँ, वो झुरंटा बोलते हैं उसका, पतला पत्ता थोड़ा बारीक बारीक का है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी हैज में किनारे किनारे लगते हैं, गमला में भी लगा सकते हैं। झुरंटा बोला ना। हाँ, झुरंटा जी। हाँ, 80-90% का इस कटिंग यही से लगती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही पे रेडी करके यही पे तैयार कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है वो। मदर प्लांट बना रखे हैं। हाँ, तो उसमें से जो है हम तैयार करेंगे मदर बेड वगैरह पर। हाँ, मरुआ बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको मरुआ। हाँ, एक पत्ते सूंघ के देखे कितना खुशबू कुछ आते हैं। बबरी। हाँ, बबरी, जी जी जी, बबरी बोलते हैं जी। उसकी चटनी भी बनती है। चटनी भी बनती है। चटनी बनती है, बहुत अच्छी। इसके अंदर किचन में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। घास बोलते हैं जी। अच्छा, ये लाल घास। हाँ, लाल घास बोलते हैं। तो कहिए, रेड घास है। हाँ, रेड घास है जी। और ये भी शायद इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट है जी। इसको भी, तो अजवाइन का पौधा भी आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, हाँ। अवेलेबल है। और मनी प्लांट भी है जी। मनी प्लांट से दिखाते हैं, मनी प्लांट है। हाँ जी, सब देते हैं जी जी। तो आप ये भी आप यहाँ पे। हाँ, देने लायक है। मनी प्लांट की यहाँ पे दो वैरायटी अवेलेबल है। जब ऑर्डर हो जाएगा, अभी भी दे ही देते हैं जी जी। हाँ, और ऑर्डर हो जाएंगे और देंगे। बिल्कुल। गुलदावरी हमने तैयार कर रखे हैं जी। अच्छा अच्छा। एक बेड तैयार कर रखे हैं, ठीक है। उसमें से काट काट के लगाए हैं, और जो है हम पब्लिक के लिए, आम डेलिंग के लिए देंगे देंगे जी। ये जो है नेक्स्ट प्लांट, और सन्सवेरिया बोलते हैं इसको। सन्सवेरिया स्नेक प्लांट भी। हाँ, ये जो है इंडोर में आते हैं। हाँ जी, हाँ, घर के अंदर रखते हैं, इसके बहुत बढ़िया ऑक्सीजन जो है छोड़ता है। ऑक्सीजन प्लांट होता है। 5 पेड़ अगर घर में लगा लीजिए। अच्छा। तो ऑक्सीजन का कभी कमी नहीं होगा। हाँ, लेकिन हफ्ते में एक दिन बाहर करना चाहिए, करना चाहिए। धूप वगैरह, पानी वगैरह, धूप वगैरह लगना चाहिए। ये हमारा आम का पेड़ है, एक जी, एक दो ये फल भी लगे हुए हैं, एक दो ये फल लगे हैं, आम के एक दो तीन लगे हुए हैं। ये केले के पेड़ है जी। इसमें से भी पब्लिक आते हैं, तो हम छोटे केले देते हैं ले ले करके। अच्छा। कोई पूजा पूजा करने के लिए आते हैं। हाँ, हाँ। तो इसमें से जैसे ये छोटे हैं ना, ये छोटे हैं ना, अभी तो नहीं निकालने वाले हैं ये। जी जी जी। हाँ, पुराने ले गए सब, तो हम दे देते हैं। ये नर्सरी जी खरखरी जटमल में है, नजफगढ़ में पढ़ते हैं। ठीक है। नजफगढ़ से 5 किलोमीटर दूर खरखरी गाँव के साथ में, घूमनहरा रोड पर। ठीक है। हाँ, नजफगढ़ से घूमनहरा की तरफ रोड जाते हैं। ठीक है। उसी के बीच में पढ़ते हैं जी। 9 से 5 तक रहते हैं ड्यूटी पे, और पब्लिक डेलिंग जो है कई बार 9 बजे भी आ जाते हैं, कई बार 9:30 से 4 हम टाइम रख रखे हैं। रखा हुआ टाइम। हाँ, 10 से 4 का, ताकि अपना आराम से यहाँ कुछ सेटिंग वोटिंग हो जाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है जी। ठीक है, आपने इतनी अच्छी जानकारी मुझे दी भी, कितना ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोली है, जो मैं आपको लोगों को चाहूँगा कि वो सुने जब मैं वीडियो डालूंगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी तरह से मैं और भी नर्सरीज वगैरह विजिट करता रहता हूँ, और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, और आने वाले टाइम में मैं और भी नर्सरीज वगैरह विजिट करूँगा दिल्ली गवर्नमेंट की। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।